नमस्कार। शिक्षा का दान बहुत बड़ा दान है। अगर इस क्षेत्र में किसी जरूरतमंद बच्चे की सहायता की जाए तो उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। इसी दिशा में कैथल के छात्रावास रोड पर पेंट की दुकान वाले मोनू बत्रा ने एक बुक बैंक के नाम से अपना जो प्रयास है वो शुरू किया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि ये बुक बैंक क्या है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, तो सर ये बुक बैंक क्या है पहले ये समझाओ। बुक बैंक हमने एक मुहिम स्टार्ट की है जी, जिससे हम एक फ्री में बुक्स ले रहे हैं, फ्री में ही दे रहे हैं जी। सभी स्कूलों के कोई भी पेरेंट्स हमें बुक्स दे सकते हैं और यहाँ से जौन सी स्कूल की जौन सी बुक्स हमारे पास अवेलेबल होगी उनको हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप मतलब फ्री में बुक लोगे और फ्री में दोगे? हम बिल्कुल फ्री में देंगे, कोई पैसा चार्ज करेंगे। कौन सी क्लास तक की बुक है सर? हम सारी क्लासों की बीकॉम तक, फर्स्ट से लेके बीकॉम तक की सारी बुक्स हमारे पास मिलेंगी और सभी का हमने फ्री में देनी है, फ्री में ही देनी है। सर ये विचार कैसे आया आपको अपनी बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में? हमारा एक ग्रुप है स्टूडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन का जी, वो काफ़ी टाइम से पीछे 6-7 महीनों से यहाँ पे बल्कि 1.5 साल से यहाँ काम कर रहा है। जो किसी पेरेंट्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है वो हमसे आके मिलता है, उसको फिर हम स्कूल में जाके उसको सॉल्व करवाते हैं जी। फीस का मुद्दा हो गया, एडमिशन फीस का हो गया, किसी भी तरह का मुद्दा है तो हम स्कूल में जाके उसको सॉल्व करवाते हैं। तो ये कैसे सोचा कि आपने कि बच्चों की दिशा में मतलब? अब देखो पेपर स्टूडेंट के हो गए हैं, हम ये सोच रहे हैं कि कोरोना काल में हर एक को इस टाइम फाइनेंशियल दिक्कत है ही है जी। बुक्स देखो हर पेरेंट्स को हर साल 4-5 हज़ार रुपये बुक्स पे खर्च करना ही पड़ता है जी। तो हमने ये सोचा है कि इस साल हम ये काम मुहिम स्टार्ट करें जिससे बच्चों को फ्री में बुक्स मिलें और उनको पेरेंट्स को कुछ ना कुछ आर्थिक फ़ायदा मिले। और भी बड़ी योजनाएं हैं जो आगे भविष्य क्या योजनाएं हैं आपकी? आगे भविष्य की बहुत योजनाएं हैं। अभी इसके लिए हम अपना एक सेंटर खोलना चाहते हैं जिसमें बच्चों को फ्री में ट्यूशन मिले या बहुत नॉमिनल चार्जेस पे उसको ट्यूशन प्रोवाइड करवाई जा सके, ताकि जो महंगे जो टीचर्स हैं या जो महंगे ट्यूशन लेते हैं उनसे बच के कहीं ना कहीं बच्चों के फ़ायदे के लिए जो भी हमसे होगा अपनी कोशिश से हम करेंगे। संपर्क कैसे करते हो आप अभिभावकों से? संपर्क हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, 3 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उससे हमारे पास इस टाइम 450-500 पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। सभी प्राइवेट स्कूलों के, उनसे हम व्हाट्सएप के थ्रू ही मैसेज देते हैं जिससे जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमसे आके बात कर सकता है। आप बताइए सर आपका नाम? मेरा नाम जगरूप भोला जी। आप सर RTI एक्टिविस्ट हो, अभिभावक संघ के भी आप प्रधान हो, तो ये मुहिम कैसे आपने छेड़ी, क्या विचार है आपके मन? दो साल पहले मेरे भी बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, मैंने एक बार पढ़ने को मिला कि किस तरह है किताबों की सेटिंग होती है, कितना स्कूल वाले को जाता है, कितना किताबों को जाता है। उस सोच के साथ हम भाई मोनू बत्रा जी से हमने विनती की, उन्होंने अपनी दुकान को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर इस पूरे स्पेस में इस बुक बैंक को शुरुआत की, ताकि जी जो किताबें हर साल चेंज होती हैं हमारा प्रयास है कि वो नियंत्रण वो लागू रहे, क्योंकि अब की बार हरियाणा सरकार के भी आदेश की किताबें बदली ना जाए। अलबत्ता ये देखने को मिलता है कि हर साल किताबों को बदला जाता है, 9वीं के बाद NCERT की किताबें लगाई जाती हैं। आपके माध्यम से मैं सभी अभिभावकों से और स्कूल से निवेदन है, NCERT की किताबें पहली कक्षा से लागू होती हैं। सिर्फ निजी विद्यालय अपने हितों को देखते हुए, अपने लालचवश देखते हुए हेल्पिंग बुक के नाम पर वो किताबों को बदलवाते रहते हैं। हमारी विनती है कि NCERT की जो बुकें हैं उनको हाई क्वालिफाइड लोग लागू करते हैं, उनका पाठ्यक्रम बनाते हैं। यहाँ कैसे सहयोग कर रहे हो आप जरूरतमंद बच्चों को, किस संस्था से जुड़कर? जितना हो पाता है, तन से मन से धन से। मतलब कैसे बच्चों को यहाँ बताते हो या करते हो या इनका कुछ सहयोग कैसे करते हो आप? जो भाई जिम्मेदारी लगाते हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की रही। कहीं से भी हमें बुक्स लानी पड़ती हैं तो हम आपके माध्यम से हमारे कैथल शहर के अलबत्ता कैथल पूरे ज़िले के, क्योंकि आपकी खबरें विदेशों तक भी जाती हैं, जो हमें सुन सकता है आपके माध्यम से उससे हमारी अपील है, चाहे वो निजी विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, क्योंकि जो विद्यालय में व्यक्ति पढ़ा रहा है और जिस व्यक्ति का विद्यालय है वो भी एक पेरेंट्स है, वो भी एक अभिभावक है,
वो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं वही बात उसी बात पे आ रहा था। आपके माध्यम से हमारी एक अपील है, आपके घर में जो किताब रखी है और जो आपके लिए यूजलेस है, वो किताबें आप आनंद पेंट्स की दुकान पर दे दें। वो किताबें किसी न किसी बच्चे के काम आएगी और वो उससे बच्चा पढ़कर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि शिक्षा के दान से बड़ा कोई दान नहीं। आपकी वो रद्दी की किताबें किसी बच्चे के जीवन में वो प्रकाश ला सकती हैं। इसलिए आपको जो भी व्यक्ति सुन रहा है, हमें जो व्यक्ति देख रहा है सुन रहा है, उस व्यक्ति से अपील, अगर आपके आपके घर में एक भी रद्दी की किताब पढ़ी है, मैं उसको रद्दी कह रहा हूँ, एक भी आपके घर में किताब पढ़ी है, तो वो किताब बगैर किसी लालच के आप यहाँ पर दें। उस किताब को पढ़कर कोई ना कोई बच्चा, उसका उज्जवल भविष्य होगा और वो आपका आपका ताउम्र एहसान मंद भी रहेगा। हाँ जी सर, मेरा नाम गुरमीत सिंह गुलाटी है जी। मैं पिछले 6-7 महीने से जगरूप जी और मोनू बत्रा जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, स्टूडेंट पेरेंट्स ग्रुप के साथ जी। तो हमने सब ने ये बैठ कर एक बार विचार किया कि इस साल कोरोना की वजह से जैसे बहुत दिक्कत आई हुई है सभी को, तो कुछ ऐसा किया जाए जो शहर के लिए नया भी हो और लोगों की हेल्प भी हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को एक अपील करना चाहता हूँ कि मोनू बत्रा जी की दुकान है अनंत पेंट्स, रेलवे गेट से छात्रावास रोड की तरफ जाते हुए, आप अपनी सभी किताबें वहाँ दें। और जो पेरेंट्स नहीं देकर आ सकते, तो कृपया ये नंबर नोट कीजिए 9315411226890451300। इन दोनों नंबर पर आप कभी भी किसी भी समय कॉल कर दीजिए, हम वहाँ से अपने आप ही बुक आपसे कलेक्ट कर लेंगे। मैं अनिल खुराना जी जी, मेरे हमारी काफ़ी समय से यही सोचते थे कि हम कैसे कोई सेवा का काम कर सकें। देखो मौका मिला है कि वो कोरोना जो कि हालांकि अच्छी बात नहीं है, कि बहुत बुरा हुआ है जो बीमारी, ये महामारी फैली, इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, बिजनेस में भी नुकसान हुआ है और वैसे भी शारीरिक तौर पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो लेकिन आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस महामारी में जिन लोगों को भी जो भी कोई दिक्कत परेशानी आई है, हम वो अपनी दिल इच्छा थी कि कहीं ना कहीं उनका सहयोग करने पाएँ, लेकिन ये अपनी एसोसिएशन के द्वारा, स्टूडेंट पेरेंट्स के द्वारा, मोनू बत्रा जी के द्वारा, गुलाटी साहब के द्वारा, अपना द ग्रुप जी के द्वारा, हमें ये बड़ा सहारा मिला कि हम जन तक जो भी किसी भी प्रकार की कोई जरूरत हो, स्टूडेंट्स को हो, पेरेंट्स को कहीं दिक्कत हो कहीं भी स्कूल में कहीं भी, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें। हमें कहीं भी कहीं से भी कॉल आते थे, हम समय उसी समय पर पहुँचते हैं। इसके लिए मैं सब भाइयों का और आप जैसे लोगों का जो हमारे और हमारे साथ सहयोग करते हैं कि ये लोगों तक हमारी ये बातें पहुँचे, मैं आपको तहे दिल से आपका धन्यवाद करूँ जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ बुक भी रखी हुई है, तो ये बुक बैंक के नाम से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं या अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को बुक नहीं दिलवा सकते, यहाँ से बुक कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर उनके पास कोई बुक है पुरानी बच्चे की, तो यहाँ दे भी सकते हैं।